नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जो फाइनल आंसर की एचपी बोर्ड ने डाली है वो लेके आया हूँ। तो चलो डिस्कस करते हैं नॉन मेडिकल की जो फाइनल आंसर की डल चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स बनेंगे, क्योंकि जो भी करेक्शंस सेंड की जाती हैं कैंडिडेट द्वारा उसके बाद जी अपडेटेड आंसर की आती है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपके टेट के मार्क्स लगेंगे। तो आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और कितने करेक्ट मार्क्स आपके बन रहे हैं, वही मार्क्स आपके रिजल्ट आने के बाद भी आएंगे। तो चलो मैं धीरे धीरे स्क्रीन स्क्रोल करता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी अपने मार्क्स कंफर्म कर सकें और अपने आंसर की को कंफर्म कर सकें। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, जब वीडियो पॉज करके भी अपने आंसर मैच कर सकते हो अगर आपने डाउनलोड नहीं करनी है तो। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कर सकते हो और आप अपने आंसर्स को इसमें मैच कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनको सभी को मार्क्स मिलेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन हो गया, अगर हम बात करें यहाँ पे 39th क्वेश्चन हो गया, 65th क्वेश्चन हो गया, 137th क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस के जो आंसर्स कोई भी नहीं है तो इसका मतलब इन सभी को इसके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब सीरीज़ डी की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, तो आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें फाइनल आंसर की जो थी एचपी बोर्ड ने डाली थी उसके बाद रिगार्डिंग हमने बात की। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।